मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज योर जीके क्लास। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 16। द नेम ऑफ द चैप्टर 16 इज रिलेशंस। रिलेशंस मीन्स होता है रिश्तेदारी। हमारे आपस में जो रिश्ते होते हैं उनको रिलेशन कहते हैं, जैसे मम्मी पापा का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, ठीक है, माँ बेटे का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता। तो ये जो रिश्ते होते हैं उनको रिलेशन कहा जाता है। प्लीज़ लुक एट द फैमिली ट्री एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट फैमिली वर्ड। ठीक है, आप सब लोगों ने ईवीएस में फैमिली ट्री पढ़ा होगा। तो यहाँ पर फैमिली ट्री के ऊपर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, हमको उसके लिए सही रिलेशन बताना है कि किसका किससे क्या रिलेशन है। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ कि दिस इज़ अ फैमिली ट्री। इस फैमिली ट्री में दिस इज़ ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ठीक है, ये इनका बेटा है और ये इनके दो बेटे हैं। ओके, और ये इनकी दोनों बहुएं हैं और ये इनकी वाइफ है और ये इनकी वाइफ है। ओके, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है एंड दिस इज़ अ हस्बैंड वाइफ, और ये दोनों भी क्या है, हस्बैंड वाइफ। ये जो अरु है ये इनका बच्चा है और इनके दो बच्चे हैं, तनु एंड मनु। तो अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, रिलेशंस दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि किसका किससे क्या रिलेशन है। ओके, सो फर्स्ट है रामलाल इज तनुज। ठीक है, जो रामलाल है ये रामलाल है, यहाँ पर लिखा है रामलाल, ये है मीना, विजय, राधा, अरु, मानव, सुमन, तनु एंड मनु। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट पूछा है रामलाल इज तनुज। ठीक है, तनु कौन है, ये री, तो इसकी बात हो रही है। तनुज जो रामलाल है वो तनु के क्या लगते हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगा है मतलब तनु के, तो रामलाल तनु के क्या है, तो ये इसके पापा है और इनके पापा ये हैं, तो पापा के पापा कौन हुए, दादाजी, तो ये कौन है, तनु के ग्रैंडफादर, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, ग्रैंडफादर। ओके, अब मैं क्वेश्चन पढ़ती जाऊँगी, अब ध्यान से क्वेश्चन को सुनेंगे और साथ में मैं आंसर भी एक्सप्लेन करूँगी, फिर मैं आपको वीडियो में सारे आंसर दिखाऊँगी, तो आपको भी अपनी कॉपी में इस तरह से, सॉरी, अपनी बुक में फिल करना है। सेकंड है मानव इज मनुष। ठीक है, सेकंड पर देखिए आप, मानव इज मनुष, मानव, ओके, ही इज अ मानव, ये मानव है, मानव और ये मनु है, तो मानव मनु के कौन है, मानव कौन है, मनु के पापा, ठीक है, ये इनका बच्चा है, तो ये कौन हुए, फादर, और ये हो गई मदर, तो मानव इज मनुष फादर, तो हमको सिर्फ क्या लिखना है फिलप्स में, फादर, तो हम लिख देंगे सेकंड के सामने फादर। थर्ड मीना, मीना इज अरुस। ठीक है, मीना कौन है, अरु की दादी, ग्रैंड मदर, ओके, ये इसके पापा है और पापा की ये मम्मा है, तो जो पापा की मम्मा होती है वो कौन होती है, दादी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, थर्ड के सामने ग्रैंड मदर। नाउ फोर्थ है सुमन इज मीनास। ठीक है, ये सुमन है और ये मीना है, ओके, तो ये मीना का बेटा है, तो ये क्या हुई, बहू, और बहू को इंग्लिश में कहा जाता है डॉटर इन लॉ, तो आप उसके सामने क्या लिखेंगे, डॉटर इन लॉ, तो सुमन इज मीनास डॉटर इन लॉ। विजय इज अरुज, नंबर 5 पर लिखा है विजय इज अरुज, विजय कौन है, अरु के फादर, तो हम क्या लिखेंगे, फादर। मानव इज अरुज, नंबर 6 पर मानव इज अरुज। ठीक है, अब इनका बेटा ये भी है और इनका बेटा ये भी है, तो ये दोनों क्या हुए, भाई, ओके, तो ये अरु के क्या हो गए, अंकल, ठीक है, पापा के भाई क्या लगते हैं आपके, अंकल, तो ये कौन है, अरु, मानव कौन है, अरु के अंकल, तो हम क्या लिखेंगे उसके सामने, नंबर 6 के सामने अंकल। राधा इज तनुज, नंबर 7 पर लिखा है राधा, राधा इज तनुज, अब ये तनु है और ये राधा है, अभी मैंने बताया ये दोनों भाई हैं, तो ये दोनों इनकी क्या है, वाइफ है, तो ये इसके अंकल हुए, तो ये इसकी क्या होगी, आंट, तो हम क्या लिखेंगे, तनु, राधा इज तनुज आंट। ठीक है, ये इसकी आंट होगी, तो नंबर 7 पर लिखेंगे आप आंट। नंबर 8 तनु इज मनुज। ठीक है, तनु इज मनुज, तनु कौन है, मनु का भाई, ओके, तो तनु इज मनुज ब्रदर, ये दोनों भाई है, तो क्या लिखेंगे हम, भाई बहन है ये दोनों, तो ब्रदर। अब मनु इज तनुज, मनु कौन है, तनु की
मनु जो है वो ये लड़का है, ये लड़की है, तो मनु कौन है? सिस्टर। तो आप नंबर 9 पर क्या लिखेंगे? सिस्टर। अब नेक्स्ट 10 नंबर है लास्ट, अरु इज मनुज। अरु और मनु का क्या रिलेशन हुआ? ठीक है, इसके पापा और इसके पापा भाई भाई है, तो आपके अंकल का लड़का, चाचा का लड़का, मामा का लड़का, ये सब कौन होते? कजिन। तो ये दोनों अंकल के लड़के हैं, तो ये क्या हो गए? कजिन। तो हम सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे? कजिन। ओके, तो अब आप देखिए ये वीडियो में सारे आंसर इस तरह से लिखे हैं, आपको भी यहाँ पर इस तरह से आंसर को कंप्लीट करना है, किसका किससे क्या रिलेशन है वो अच्छे से रीड करना है, समझना है। ओके, बहुत इजी फैमिली ट्री है, आपको बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पर ये आंसर्स क्या करना है, अपनी बुक में फील करना है। और ये जो इनके स्पेलिंग्स है, ग्रैंड फादर, फादर, ग्रैंड मदर, डॉटर इन लॉ मतलब होता है बहू, ठीक है, इनके सबके स्पेलिंग्स आपको लर्न करना है। थैंक यू।